हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और जो आज का वीडियो है उसमें एक फेशियल ट्राई करने वाली हूँ। तो इस फेशियल को काफ़ी लोग कर चुके हैं, इवन कैटरीना कैफ भी ट्राई कर चुकी है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये मेरे स्किन पे कैसा काम करता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो काम कैसे करता है, इसको कैसे करना है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये जो फेशियल है वो है आइस फेशियल। और आइस तो आप लोग जानते ही हो कितना अच्छा होता है स्किन के लिए। स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम को एकदम ख़त्म कर देगा, स्किन पे ग्लो लाएगा। और यार, इस फेशियल को करने के बाद कुछ हो या ना हो, आपकी स्किन की जो डलनेस है, थकान है, वो पक्का दूर हो जाएगी। एक ख़ास बात ये भी है कि इसको करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे घर की चीज़ों में ही हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे, इवन 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, उससे कम टाइम में ही ये हो जाए। इस फेशियल को करने के लिए आप एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए जिसमें आपका फेस चला जाए, और फिर ले लीजिए कुकुम्बर स्लाइसेस, लेमन स्लाइसेस, कुछ मिंट लीव्स, और फिर हम लेंगे आइस क्यूब्स। आप पूरा एक ट्रे भर के आइस क्यूब्स ले लीजिए। इसके बाद हम डालेंगे चिल्ड वाटर और इस बर्तन को पूरा वाटर से भर लीजिए। ये सारी चीज़ें बर्तन में लेने के बाद अब आप इसमें अपना फेस डिप कर लीजिए। 10 से 15 सेकंड तक डिप करके रखना है, जितना आप सहन कर सके उतना ही डिप कीजिए। इसको फिर हटा लीजिए। यही प्रोसेस आप 5 से 6 बार कीजिए और बस हो गया आइस फेशियल। वैसे तो ये आइस फेशियल है तो इसमें सिर्फ आइस की ज़रूरत रहेगी, पर मैं इसकी गुडनेस बढ़ाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो कुछ मिक्स ना भी करें, सिर्फ आइस और वाटर ले लेंगे तो ही काम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को मैं 5 से 6 बार रिपीट करूँगी। इसमें कुकुम्बर स्लाइसेस और लेमन मिंट लीव्स होने के कारण इसके स्किन रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। स्किन से रेडनेस दूर होगी, पफिनेस दूर होगी और आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। तो आप अपने फेस को 10 सेकेंड्स के लिए वाटर में डिप कीजिए और फिर निकाल लीजिए। यही प्रोसेस आप रिपीट करते रहिए और बस हो गया। इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिक्स की गई हैं तो जो कि सारी ही स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, स्किन रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। तो जब मैंने इसको किया, इसके बाद मेरी स्किन की डलनेस बिल्कुल चली गई। कुछ हो या ना हो यार, थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी, आप इतना फ्रेश फील करोगे। एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम होगा तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जो पिंपल एक्ने हो जाते हैं ना, जिनमें दर्द होता है या इचिंग होती है, उनके लिए फेशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है तब भी आप इसको कर सकते हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। इस फेशियल को आप वीक में एक बार कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो 2 बार भी, 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। पर जब भी इसको करें, इसके बाद अपना CTM रूटीन ज़रूर पूरा करें। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, कभी भी कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।